हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबको वेलकम करती हूँ। न्यूज़पेपर एनालिसिस सीरीज़ के अंदर आज हम दी हिंदू और इकोनॉमिक टाइम डेटेड 7 अक्टूबर का जो है एनालिसिस करेंगे। और उसके साथ ही मैं सॉरी फील करती हूँ कि मैं प्रीवियस वीक के अंदर जो है आपको बीमार होने की वजह से कोई अपडेट नहीं दे पाई। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं करंट अपडेट के साथ क्या है कि जो प्रीवियस वीक के अपडेट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड करूँ। और अगर आपको मेरा ये एनालिसिस अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेज नंबर 1 के अंदर, हिंदू ढाका सेज इट इज़ रीअश्योर्ड बाय द मोदीज ब्रीफिंग ऑन एनआरसी। बेसिकली जो ढाका है, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अश्योरेंस दी है और जो ढाका जो है उसको फॉलो करेगा और उन चीज़ों को नहीं मानेगा जो इंडियन लीडर्स ने पब्लिक स्टेटमेंट्स दी हैं ऑन द नेशनल रजिस्ट्रेशन फॉर सिटीजन। मिस्टर मोदी हैड रिपोर्टेडली क्लेरिफाइड कि एनआरसी जो है बेसिकली क्या है कि मल्टी फेसेस के अंदर इसको निपटा जाएगा और जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक किया गया है। और मिस्टर मोदी एंड मिस हसीना बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और वो सैटरडे को उन्होंने 1 घंटे के लिए मिले भी थे हैदराबाद के अंदर और उन्होंने एनर्जी, वाटर, कोस्टल सर्विलेंस एंड बहुत सारे और जो मेयर्स थे जिनके अंदर दोनों देशों के बीच में ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो सकता है उसके बारे में बातचीत की। और उसी तरह मिस हसीना ने जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है सजेस्ट किया जहाँ पर इंडियन कंपनी जो है इन्वेस्ट कर सकती हैं, बांग्लादेश की लैंड यूज़ कर सकती हैं, लेबर यूज़ कर सकती हैं और इंडियन मार्केट के लिए प्रोड्यूस कर सकती है और एक्सपोर्ट कर सकती हैं ड्यूटी फ्री। और उसी तरह हम देखते हैं कि दोनों साइड जो हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड रीजनल सप्लाई अरेंजमेंट के बारे में डिस्कशन करी है। और उसी तरह यहाँ पे क्या है कि टेस्टा वाटर शेयरिंग इशू जो है अभी भी सॉल्व नहीं हुआ और मोदी जो है उनका ये मानना है कि वो इस एग्रीमेंट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो उसी तरह हम देखते हैं कि ये टेस्टा एग्रीमेंट क्या है। टेस्टा बेसिकली जो तीस्ता है ये रिवर है जो कि ग्लेशियर्स से चरमाऊ लेक इन सिक्किम से स्टार्ट होता है और इसका जो कैचमेंट एरिया है वो इंडिया के अंदर है। और उसी तरह ये बांग्लादेश के अंदर एंटर करता है, ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करता है और बे ऑफ बंगाल के अंदर जो है इसका एंड होता है। और इस तरह जो ब्रह्मपुत्र है, जेंजिस है, मेघन है और टीस्टा जो है ये टीस्टा जो है बांग्लादेश के अंदर 4th लीवर है। और ये बेसिकली जो बॉर्डर है बिटवीन दी वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर एक डैम बना रही है ताकि पानी को स्टोर किया जा सके। तो बांग्लादेश ने इसको अपोज़ किया क्योंकि उनका जो राइस बाउल रंगपुर है वो इस नदी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इंडिया ने 83 के अंदर क्या है एडहॉक एग्रीमेंट की थी कि जिसके अंदर इंडिया जो है वाटर शेयर करेगा 39% और बांग्लादेश जो है 36%। और उसके बाद उन्होंने एक नया क्योंकि ये अभी भी जो है एग्रीमेंट है वो डिस्प्यूटेड ही है तो न्यू फार्मूला डिवाइस किया कि जिसके अंदर इंडिया 42.5% और बांग्लादेश 37.5%। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो एडिटोरियल पेज है हिंदू के अंदर बेस्ट फ्रेंड्स फॉर नाउ, तो यहाँ पे है कि जो हमारे बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बीच में जो मीटिंग चल रही है और बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे इंडिया के अंदर जो है 4 डेज़ की विजिट पे आई हुई हैं तो जो फ्रीक्वेंट मीटिंग चल रही है तो उनसे क्या है कि दोनों देश के अंदर जो है जो रिलेशन है इम्प्रूव होने के बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। और उसी तरह क्या है कि ये जो मीटिंग्स हैं, ये जो डिस्कशंस हैं, ये एक न्यू चैप्टर जो है न्यू दिल्ली और ढाका के बीच में खोलेंगी। और उसी तरह क्या है कि दोनों देश जो हैं इंडिया और बांग्लादेश उन्होंने कहा है कि पोर्ट फैसिलिटी को अपग्रेड करेंगे, इंडिया की जो अंडर यूटिलाइज लाइन्स ऑफ क्रेडिट है, कॉस्ट सर्विलेंस सिस्टम है और एजुकेशन, कल्चर एंड यूथ के अंदर क्या है कि उसको और बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। और उसी तरह देखो यहाँ पे क्या है कि बॉर्डर मैनेजमेंट और टेरर जो काउंटर टेरर है उस प्रोग्राम्स के अंदर दोनों देश एक दूसरे को जो है कोऑपरेट करेंगे। और उसी तरह वहाँ पे रीजनल ट्राइलेटरल एनर्जी शेयरिंग एग्रीमेंट विद भूटान के साथ भी जो है काम करेंगे।
और उसी तरह मिस्टर मोदी एंड मिस्टर हसीना ने जो है 3 प्रोजेक्ट जो है इनॉग्रेट किए हैं, जिसके अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ LPG टू इंडिया है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो उनके अंदर ये 3rd एग्रीमेंट है, वाटर शेयर एग्रीमेंट है, वो जो है सिरे नहीं चढ़ सका। तो उसके अंदर क्या है कि देखो यहाँ पर जो ये फ्रेम अग्रीमेंट जो कि 2011 के अंदर लिंक किया गया था, लेकिन इसको आगे फर्दर जो है मूव नहीं किया गया, क्योंकि बेसिकली सेंट्रल और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अंदर टेंशन की वजह से ये मतलब पूरा नहीं हो पाया। और उसी तरह क्या है कि देखो जो गंगा पद्मा बैरेज प्रोजेक्ट है वो भी अपग्रेड नहीं हो पाया। और उसी तरह ड्राफ्ट फ्रेमवर्क ऑफ इंटरिम शेयरिंग एग्रीमेंट फॉर 6 रिवर्स मनु मोहिरी कोहाल कुमती धरला एंड दुदू कुमार एंड ड्राफ्ट फ्रेमवर्क ऑफ इंटरिम शेयरिंग एग्रीमेंट ऑन द फैनी रिवर, और ये एग्रीमेंट जो है बेसिकली फ्रूटफुल नहीं हो पाए। तो उसी तरह हम देखते हैं कि जो बांग्लादेश के अंदर जो मेजर कंसर्न का हिस्सा है, जो कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो कि असम के अंदर है, ये भी दोनों देशों के अंदर क्या है, टेंशन का है। क्योंकि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर अमित शाह है वो कहते हैं कि जिन लोगों के नाम वहाँ पर रजिस्टर नहीं हुए तो उनको वापस जो है बांग्लादेश के अंदर जो है वापस भेज दिया जाएगा। तो जिस वजह से क्या है कि टेंशन है बांग्लादेश के लोगों को अंदर। तो यहाँ पे अब जो है उनके, क्योंकि जैसे ही हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी डिस्कशन हुई तो वो कहते हैं कि वो जो लीडर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं उनके द्वारा नहीं है, जो प्राइम मिनिस्टर ने उनको अश्योरेंस दी है उसके द्वारा वो जाएंगे। और उसी तरह क्या है कि गवर्नमेंट जो मिस हसीना ने जो मिस्टर मोदी के साथ न्यूयॉर्क न्यू दिल्ली के अंदर क्वेश्चन रेज किए हैं तो वो इग्नोर नहीं होने चाहिए। और उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट पेज के अंदर ही क्या है कि यहाँ पे NCT मीट्स फारूक अमर फॉर फर्स्ट टाइम सिंस डिटेंशन। और यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर क्या है कि जब इसका स्पेशल स्टेटस जो है विड्रॉ कर लिया गया था तो यहाँ पे 15 मेंबर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस डेलीगेशन है वो डिटेन पार्टी लीडर जम्मू एंड कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे अमर अब्दुल्ला से मिले हैं। तो उसी तरह जो PDP दूसरी पार्टी है उन्होंने भी कहा कि वो उनके भी जो है उनको भी पार्टी चीफ महबूबा मुफ्ती को मिलने की इजाज़त दी गई है। तो उन्होंने भी कहा कि जो उनके लीडर्स हैं और जो पॉलिटिकल डिटेनीज हैं उनको फ्री किया जाए ताकि पॉलिटिकल प्रोसेस जो है उसको स्टार्ट किया जा सके, ताकि क्योंकि ब्लॉक डिवेलपमेंट इलेक्शन जो है शेड्यूल्ड है। तो यहाँ पर जो मेजर दोनों पार्टीज हैं NCO और PDP दोनों ने इस इलेक्शन का जो है बायकॉट किया है। उसी तरह हम देखते हैं कि सेंटर्स मेयर हेल्प टू कूल ऑफ द अनियन प्राइसेस। तो यहाँ पे अनियन प्राइसेस जो है वैसे तो पूरे इंडिया के अंदर ही शूटअप है, तो यहाँ पे अनियन प्राइसेस जो दिल्ली के अंदर है वो 60 रुपीज़ से नीचे आ गई हैं। बेसिकली ये क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे मेयर्स लिए हैं, जैसे उन्होंने रिटेलर्स एंड होलसेलर्स के ऊपर स्टॉक लिमिट लगाई हुई है और एक्सपोर्ट को भी बैन किया गया है। तो ये जो प्राइसेस के अंदर जंप था ये बेसिकली जो फ्लड्स थे बहुत सारे जहाँ पे अनियन प्रोड्यूस होता है वहाँ पे जो स्टेट्स थी तो वहाँ पे फ्लड्स थे, जिनकी वजह से क्या है कि सप्लाई के अंदर प्रॉब्लम आई। और बाकी जो है कुछ जो शॉपकीपर्स हैं जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग भी की, जिसकी वजह से अनियन की सप्लाई जो थी कम हो गई। और अनियन प्रोड्यूसर्स ने कहा है कि वो मंडे से एजिटेशन कॉल करेंगे अगर एक्सपोर्ट बैन जो है इसको रिमूव नहीं किया गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी ने जो है चीपर अनियन जो है अपना जो उनका बफर स्टॉक था उसे इंजेक्ट किया, और उस तरह स्टेट्स को भी इसके अंदर जो है कहा है, क्योंकि अनियन के प्राइसेस जो काफ़ी ज़्यादा कुछ स्टेट्स के अंदर तो 100 रुपीज़ पर KG भी सेल हो रहा था। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि श्रीलंका प्रेसिडेंट नॉट टू सीक री इलेक्शन। तो श्रीलंकन प्रेसिडेंट मैत्रीपाला सेना उन्होंने कहा है कि वो नवंबर इलेक्शन के अंदर दोबारा से जो है इलेक्शन के अंदर खड़े नहीं होंगे। और उसी तरह क्या है कि जो उनके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल राजपक्षे फैमिली है उन्होंने 2 कैंडिडेट जो है उनको नॉमिनेट किया है, और उनका जो नेम था वो 41 कैंडिडेट्स की लिस्ट में नहीं था, क्योंकि इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस लास्ट ईयर क्रिएट किया था जिसके अंदर इन्होंने प्राइम मिनिस्टर रानिल विक्रम सिंघे को जो है उसको सैक कर दिया था और फॉर्मर प्रेसिडेंट के साथ उनको रिप्लेस कर दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस एक्शन को गलत माना और दोबारा से जो था विक्रम सिंघे को रीइंस्टेट किया। और उसी तरह हम देखते हैं कि पेज नंबर 12 के अंदर क्या है कि मल्टीपल विसल ब्लोअर अगेंस्ट ट्रंप लॉयर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सेकंड विसल ब्लोअर जो है वो भी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट आए हैं कि उन्होंने यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को पॉलिटिकल राइवल अगेंस्ट इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा। तो लॉयर मार्क जैद ने कहा द पर्सन
जिस जो सेकंड विसल ब्लोअर है उनके पास इंटेलिजेंस ऑफिशियल है वो, और बहुत ज़्यादा उनके पास इस बात की इंफॉर्मेशन है। जो फर्स्ट विसल ब्लोअर कंप्लेंट थी वो इंस्पेक्टर जनरल के साथ 12 अगस्त को फाइल की गई थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि हाफ ऑफ डजन यूएस ऑफिशियल ने जो है अपना कंसर्न एक्सप्रेस किया है कि मिस्टर ट्रंप जो है बेसिकली फॉरेन कंट्री से जो है हेल्प मांग रहे हैं इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर। और उसी तरह हम देखते हैं कि मिस्टर ट्रंप जो है उन्होंने 400 मिलियन की जो डील थी उसको भी लीवरेज किया ताकि वो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट से क्या है कि प्रॉमिस दे सके ताकि वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। और उसी तरह यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रिपब्लिकन उनकी पार्टी के यूएस सेनेटर मिट रोमनी बेस ऐसी एंड सुसैन कॉलिंस जो हैं उन्होंने भी मिस्टर ट्रंप जो है फॉरेन कंट्री को अपने इलेक्शन के लिए जो है हेल्प मांग रहा है तो उसके ऊपर उन्होंने भी जो है कंसर्न फील किया। उसी तरह हम देखते हैं कि इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर पेज नंबर 1 के अंदर शेयर होल्डर ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी टू पेयर स्टेक वाया आईपीओ, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शेयर होल्डर ऑफ इंडियाज ओल्डेस्ट म्यूचुअल फंड हाउस यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है उन्होंने अपना जो है जितनी उनकी होल्डिंग है उसका कुछ शेयर जो है वो सेल करी हैं बाय ब्रिंगिंग आईपीओ। और यहाँ पे इनिशियल पब्लिक ऑफर जो है एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंकर के साथ डिस्कशन चल रही है। और बेसिकली ये जो मूवमेंट है ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने उनको फंड हाउस को कहा है कि क्रॉस जो होल्डिंग रूल्स हैं उनको वो कंप्लाई करें। तो यूटीआई एएमसी डेट इज़ प्रमोटेड बाय 4 डोमेस्टिक शेयर होल्डर इंक्लूडिंग लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, तो यहाँ पे बेसिकली जो वैल्यू है उसकी 12,000 करोड़ एंड 1,300 करोड़ के बीच में है और आईपीओ साइज जो है वो 2,500 और 3,000 की करोड़ के वैल्यूज़ के अंदर आएगा। और उसी तरह 2018 के अंदर एसबीआई ने क्रॉस होल्डिंग लिमिट जो थी फिक्स की थी ताकि इंटरेस्ट का जो है पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ना बने, तो इन्होंने कंपल्सरी किया था कि अगर कोई शेयर होल्डर जो है म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर मिनिमम उसका 10% इंटरेस्ट है तो दूसरे फंड हाउस के अंदर क्या है कि सिमिलर साइज स्टेक जो है नहीं हेल्ड कर सकता, तो उसको अपनी जो है बोर्ड पोजीशन जो है यहाँ पे देनी पड़ेगी। और उसी तरह हम देखते हैं कि यूटीआई जो है 7th लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और उसी तरह इसकी 150 ब्रांचेज हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं 3 एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, HDFC करोड़ है 3.6 लाख करोड़, ICICI है 3.4 लाख करोड़, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है 3 लाख करोड़। और अगर जो है बेसिकली जो यूटीआई का अगर आईपीओ मटेरियलाइज हो जाता है तो ये 3rd एसेट मैनेजमेंट कंपनी होएगी जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होएगी, HDFC रिलायंस निपन लाइफ के बाद ये 3rd कंपनी होगी। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ एसेट मैनेजमेंट कंपनी, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो कंपनी है जो कि जो रिटेल इन्वेस्टर से पैसे कलेक्ट करके जो है जो गिवन ऑब्जेक्टिव होते हैं उनके मुताबिक जो है इन्वेस्ट करती हैं और ये प्राइमरीली जो है इन्वेस्टिंग और पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज़ को मैनेज करती है। और उसी तरह हम देखते हैं कि सिंग टू परफॉर्म शास्त्री पूजा ड्यूरिंग हैंडिंग ओवर सेरेमनी ऑफ रिफेल जेट, तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है शास्त्र पूजा जो है वेपन्स की जो है वर्शिपिंग करेंगे जब उनको रिफेल फाइटर एयरक्राफ्ट जो है फ्रांस ट्यूजडे को हैंड ओवर किया जाएगा। और अक्टूबर 8 जो है वो इंडियन एयरफोर्स डे भी है, फर्स्ट फेल जेट जो है बॉडिक्स के अंदर दिया जाएगा। और यहाँ पे हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं कि एडिशनल रफेल परचेज करने की पॉसिबिलिटी को भी एक्सप्लोर करेंगे, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को भी मिलेंगे और डिफेंस मिनिस्टर के साथ डिफेंस डायलॉग पे बातचीत करेंगे। और उसी तरह इंडिया के बिहाफ पे वो फ्रांस को ग्रेटिट्यूड भी एक्सप्रेस करेंगे जो उन्होंने 370 जो है जो स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर को देता था उसको स्क्रैप किया गया था, उसके लिए फ्रांस की जो सपोर्ट है उसके लिए भी वो उसको हेल्प करेंगे। और उसी तरह हम देखते हैं कि इंडिया ने जो है इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट जो है फ्रांस के साथ सितंबर 2016 के अंदर जो है साइन किया था और जिसके अंदर ये था कि 36 रफेल फाइटर जेट जो है प्रोक्योर किए जाएंगे। और उसी तरह वो जो रफेल जेट यहाँ पे आएंगे तो उसके अंदर इंडियन सिचुएशंस के मुताबिक जो है मॉडिफिकेशन की जाएगी, जैसे हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, रिडार, वार्निंग रिसीवर्स, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम के साथ
साथ है उनको मॉडिफाई किया जाएगा। और उसी तरह हम देखते हैं कि ये जो रिफिल जेट है ये गेम चेंजर है ड्यू टू स्कैल्प स्टैंड ऑफ मिज़ाइल, जिसके अंदर क्या है कि देखो मिज़ाइल के अंदर कैपेबिलिटी है कि 300 किलोमीटर तक वो टेररिस्ट ग्रुप को टारगेट कर सकती है। और उसी तरह ये अम्बाला के अंदर जो है और वेस्ट बंगाल के अंदर हासीमरा के अंदर जो है डिप्लॉय की जाएगी। और उसी तरह हम देखते हैं कि पेज नंबर 5 के अंदर इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर है टोयोटा पिप्स टैमो टू बिकम फोर्थ बिगेस्ट कार मेकर। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्लो डाउन के बाद भी क्या है कि जो इंडियन सब्सिडरी ऑफ द जैपनीज कार मैन्युफैक्चर टोयोटा है किर्लोस्कर मोटर, उन्होंने टाटा मोटर्स एंड होंडा कार को जो है टेक ओवर कर लिया है। टेक ओवर का मतलब है कि उनकी जो पोजीशन है काफ़ी स्ट्रांग हो गई है, तो वो फोर्थ कंपनी जो है बिगेस्ट कार मेकर डिक्लेयर हुई है। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम टू बिकम द लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ द मार्केट शेयर। तो यहाँ पे उन्होंने प्रीमियम यूटिलिटी व्हीकल जैसे इनोवा एंड फोरेनर के अंदर जो उनका मार्केट शेयर है 4.86 है फर्स्ट हाफ ऑफ 2020, जो कि प्रीवियस फर्स्ट हाफ के साथ हम कंपेयर करें तो इम्प्रूवमेंट है। तो उनका ये मेन रीज़न है कि मार्केट शेयर इस वजह से इंक्रीज़ हुआ है क्योंकि जो ग्लांजा है उनकी टोटल सेल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो चाहे स्लो ओवर था चाहे जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थी वो काफ़ी अगली फेज़ के अंदर से गुजर रही थी, तो उन्होंने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को जो है पूरा करने की कोशिश की है और कस्टमर को उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जो है ज़्यादा देने की कोशिश की है। और उसी तरह उनकी जो सुजुकी के साथ अलायंस है जिनकी वजह से क्या है कि उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं।